लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें धौरहरा लोकसभा से सीतापुर के पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। भदौरिया जिला सीतापुर की महोली विधानसभा के पाताभोज गाँव के रहने वाले हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन से जुड़कर की थी। आनंद भदौरिया को अखिलेश यादव का करीबी बताया जाता है। आनंद भदौरिया ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। 2014 में सपा ने भदौरिया को धौरहरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जिसमें उनको तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। वह 2016 में सीतापुर से विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते इस सीट पर सपा ने कोई प्रत्याशी ही नहीं उतारा। अब 2024 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी आनंद भदौरिया पर भरोसा जताते हुए धौरहरा लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बना चुकी है। देखना ये होगा कि सपा का आनंद भदौरिया पर लगाया दांव कितना काम आता है। क्या सपा को आनंद भदौरिया निराश करेंगे या फिर धौरहरा सीट से सपा की नैया को पार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।